हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जो ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आएंगे, इनको पहले एक पेज पे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इनके वन बाय वन आंसर डिस्कस करेंगे। आप उन आंसर्स को अपनी नोटबुक पे राइट करते रहना। ओके बेटा, थैंक यू। स्टार्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आज जो हमारा क्वेश्चन आंसर करने का तरीका रहेगा, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे पास आपकी क्लास 8 की साइंस की बुक है, मैं आपको क्वेश्चंस की पिक सेंड कर दूंगा, साथ में अपनी इस वीडियो में डाल देंगे। आपको क्या करना है, उस पिक से अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर लेने हैं, क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, आंसर उसके मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ आपको। और आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, जैसे छोटे बच्चों को लिखवाया जाता है, सिर्फ मैं आपको आंसर समझाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना, अपनी लैंग्वेज में उसको वीडियो को देखकर अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये मेरे पास देखो आपकी साइंस की बुक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके अंदर डी और ई पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वन वर्ड या एमसीक्यू या टिक द मार्क ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अभी डिस्कस। तो हम डी और ई पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5 पार्ट पूछे गए हैं। इसमें मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रीड करता हूँ। ये इन द फ्लोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस। आपने क्या करना है, जितने हम केस नीचे पढ़ेंगे उनमें जो फोर्स लगा रहा है उसको, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस एजेंसी को या उस सोर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद बताना है उस फोर्स ने क्या किया। तो पहला पार्ट, ए पार्ट में क्या करना, आपने सबसे पहला जो हम ए पार्ट इसका लिखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। आपने क्या करना है, स्क्वीज करना है लेमन को उसमें से उसका जूस निकालने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा आपने क्या किया, फोर्स किसके साथ लगाया, अपनी फिंगर के साथ। तो एजेंट क्या हुआ यहाँ पर, एजेंट में आप लिखेंगे फिंगर्स। फोर्स ने क्या किया, इफेक्ट ऑफ फोर्स में आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। सोचिए आप, फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने किया उसकी शेप चेंज कर दी लेमन की। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, चेंज इन शेप। तो आपके ये दो आंसर हो जाएंगे। अब आपने जितने बार के आंसर देने वो ऐसे ही देने एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है एजेंट लिखना है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखना है। तो बी पार्ट में क्या करना, आपने ए पर्सन डाइविंग इनटू ए स्विमिंग पूल, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में डाइविंग कूदता है या स्विमिंग कर रहा है। तो उसमें क्या करना, आपने इसमें एजेंट बताना है फोर्स का। तो इसमें एजेंट क्या होंगे, आपके लेग्स या हैंड आ जाएंगे, और क्या दे सकते हो आप, मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हो इसके अंदर। इफेक्ट क्या हुआ, उसकी पोजिशन चेंज कर दी, उसकी स्टेट चेंज कर दी, जो डाइविंग कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, आप ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। ए लेबर मूविंग ए लोडेड कार्ट, एक लेबर है जो एक मूविंग लेबर कार्ट क्या कर रही है, एक कार्ट को मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो इसमें जो एजेंट है वो कौन है, लेबर जो फोर्स लगा रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर, स्टेट चेंज हो रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपका कार्ट मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ए कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। अब कार का अगर इंजन जो हम स्विच ऑफ कर दें तो कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसमें एजेंट कौन है जिसने कार को रोका है यहाँ पर। तो सोचिए आपने क्या किया, स्विच ऑन ऑफ किया ना, तो स्विच ऑफ करने से क्या हुआ, कार का इंजन स्टॉप हो गया। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आपके, ये आंसर हैं ये थोड़े से मोल्ड होके भी आ सकते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, इसके क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आंसर हम सोच रहे हैं वही होगा, और भी आंसर बनाए जा सकते हैं। अब आपको अगर देखें कार रुकी क्यों, जिसने कार को रोका वो क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि टायर में और रोड्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, इंजन ऑफ हो गया, तो इंजन क्या था यहाँ पर, इसका एजेंट था जिसकी जिसको चला रहा था। तो इंजन ऑफ होने से क्या हुआ, तो उसने उसको रोक दिया, फोर्स नहीं लगा रहा, तो फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो अपनी कार रुक गई। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट तो साफ साफ दिख रहा है, कार क्या हो गई, रुक गई। तो कार कम एट्स रेस्ट, तो स्टेट चेंज हो गई, मोशन से रेस्ट भी आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर ए बार कैप्ट एट ए सर्टेन हाइट।
एक हाई जंप लगाने वाला एथलीट है, वो क्या करता है, एक हाई जंप लगाता है। एक आपने देखो हाई जंप कैसे लगाया जाता है, तो हाई जंप का अगर हम डायग्राम बनाए, जैसे दो पोल होते हैं और इस पे एक रोप लगी होती है, इस रोप के ऊपर से कूदना है उसको, तो उसका जो फोर्स है वो कौन सा लगाया उसने, मस्कुलर लगाया, अर्थ को पुश किया, अर्थ ने उसको पुश किया, तो एजेंट क्या हुआ यहाँ पर, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। इफेक्ट क्या हुआ, उसने क्या किया, उसकी हाइट चेंज कर दी या उसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये सारे क्या यहाँ पर इसके इफेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट के पार्ट थे बेटा, पांच पार्ट थे हमारे पास, फाइव पार्ट हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब स्टार्ट करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स नॉन जीरो फोर्स। एक बॉडी है जिसके ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहे हैं हम ये, और ये मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है, इसी को बॉडी बना लेता हूं मैं, ये बॉडी है, बॉडी लिख दो इसके नीचे, इसके ऊपर नॉन जीरो नेट फोर्स लग रहा है। नॉन जीरो का मीनिंग क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू है, तो यहां पर हम लिखेंगे एफ इक्वल टू कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी है, फाइव न्यूटन। उसकी डायरेक्शन दो इधर, किसके ऊपर नेट फोर्स किधर लग रहा है, फाइव न्यूटन उधर लग रहा है, नेट फोर्स फाइव न्यूटन है। अगर जीरो होता तो मैं यहां पर जीरो लिख देता, इसने बोला नॉन जीरो है, नॉन जीरो में आप फाइव लिखो, टू लिखो, वन लिखो, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्या ये ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलता रहेगा। आपसे आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन यहां पर, कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स फाइव न्यूटन लगा रहे हैं, नेट फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, फाइव न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलता रहेगा। तो आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। कॉन्स्टेंट स्पीड बता देता हूं आपको क्या होती है, कि जो स्पीड चेंज ना हो, जो स्पीड चेंज ना हो, तो स्पीड को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस बताना है। तो ये मैं अपनी पिछली जो वीडियो बनाई हमने, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, उस वीडियो को सुनिए और उसमें जो जो पॉइंट बताए थे वो लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स भी बताया था मैंने आपको और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बताया था, ऐसे फोर्स जिसमें दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में रहती है, जो फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके एग्जाम्पल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, ऐसे फोर्स जिसके भी बॉडी जो है कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी। मैग्नेटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है, दूर दूर होते हैं मैग्नेट दोनों, जब भी फोर्स लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसके दो पार्ट थे ए और बी, हमने दोनों एक बार इसको थोड़ा रीड कर दिया, समझ लिया। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड, आपने एक गेंद को ऊपर फेंकना है, क्या पूछा उसके बाद, व्हाट हैपेंड टू इट्स स्पीड व्हाइल इट इज गोइंग अप, जब ये गेंद ऊपरी तरफ जाती जाएगी तो उसकी स्पीड के साथ क्या होगा और क्यों होगा, ये आपने इसका आंसर देना है। तो समझिए इसको बेटा बात को, आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है या थ्रो किया जाता है तो क्या होता है, कुछ हाइट पे जाके आप वापिस आ जाता है अर्थ पे, तो एक ये कोई जादू तो है नहीं कि अपने आप वो हाइट पे जाए और वापिस आ जाएगा। अब क्या होता है, आपने क्या किया, उसको क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर फोर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, ये देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपने क्या समझना है, जब आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका ऐसे, यहां पर उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, जहां से स्टार्ट किया उसने, जहां से आपके हाथ से जब चला वो, यहां पर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, यहां पर 20, यहां पर 10 और यहां पर 0। उस पॉइंट पर क्या होगा, वो रुकेगा, अब रुकने के बाद क्या होता है, वो नीचे आता है, ये तभी पॉसिबल है। अगर वो 40 में चलता रहा तो कभी रुकेगा ही नहीं, यहां पर भी 40, यहां पर भी 40, 40 में चलता जाएगा, वो तो अपने यूनिवर्स से बाहर चला जाएगा, अपने अर्थ से बाहर चला जाएगा। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है आपके साथ, ऐसा पॉसिबल होता है पर उसके लिए एक हाई स्पीड की जरूरत होती है, जो हमारे पास टॉपिक प्लस वन क्लास में आता है, उसको एस्केप स्पीड बोलते हैं। आपको अगर उस स्पीड से फेंक दिया जाए या प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो आप अर्थ पे वापस नहीं आओगे, बट ये वो वाला केस नहीं है
यहाँ पर हमें सिर्फ एक बॉल फेंक के ऊपर, और बॉल कभी भी यूनिवर्स से बाहर नहीं जाती, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपरी तरफ फेंकेंगे तो ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, डिक्रीज तो होगी ताकि वो जीरो पहुंचे और जीरो से फिर वो वापिस आए। अब डिक्रीज क्यों होती है, रीजन ये देना हमें, आंसर ये अपना कि डिक्रीज क्यों होगी। आपने एक आंसर दिया यस स्पीड इज डिक्रीज, ये आपका आंसर हो गया। रीजन क्या दोगे, बिकॉज अर्थ एग्जर्ट फोर्स ऑन द बॉल, अर्थ क्या कर रही है उस बॉल पर फोर्स एग्जर्ट करती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अर्थ उसको अपनी ओर खींच रही है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा अर्थ उस पर नीचे फोर्स लगा रही है, उसकी स्पीड क्या करती गई वो कम करती गई, इसलिए वो क्या हो जाता है बेटा नीचे वापिस आना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, आप यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे बिकॉज अर्थ एग्जर्ट्स फोर्स ऑन बॉल, अर्थ ने क्या किया बॉल पर फोर्स लगा दिया, इसलिए वो क्या हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है तो नीचे आ जाती है, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड डिक्रीज इसलिए होती है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए ध्यान से, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ आपके सामने, एक पिक दी हुई है, देखो पिक अगर आपको दिख रही है इस वीडियो में आप देख सकते हो ये पिक दी हुई है, ये क्या एक पैराशूट के साथ एक मैन ऊपर उड़ रहा है हवा में है वो। क्या क्वेश्चन अब आपके सामने देखिए, नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन, इज इट ए कॉन्टैक्ट फोर्स और ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप ये बताइए मेरे को, ये जो पर्सन है पैराशूट के साथ नीचे क्यों आ रहा है, अभी अगर आंसर दिया इसका हमने, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है। अब ये बताइए आपको, आपको पता ही होगा कि जो अर्थ फोर्स लगा रही है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये बेटा नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि आप देखिए पैरासूट वाला जो पर्सन है वो कहां पर है और अर्थ का सरफेस कहां पर है, दोनों बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन का एक पार्ट और भी बेटा, वो भी कर लेते हैं बी पार्ट, विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट एक्सप्लेन। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा इसने, अगर उस मैन के पास पैराशूट ना हो, उसके पास पैराशूट नहीं है तो क्या वो तब भी उसी स्पीड से नीचे आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप छत पे जाइए और वहां से एक गेंद को ड्रॉप कीजिए, जब आपने गेंद को ड्रॉप किया तो उसने चलना स्टार्ट किया, आप सोच सकते हो, इमेजिन कीजिए आपने गेंद को हाथ से सिर्फ छोड़ा है, तो जब उसको छोड़ा है उसकी स्पीड जीरो से स्टार्ट हुई है 1 2 ऐसे, और नीचे जाते जाते इतनी फास्ट हो जाती है, आप इमेजिन कर सकते हो, आप एक बिल्डिंग से गेंद को ड्रॉप कीजिए और फिर से ऊपर वाली बिल्डिंग से ड्रॉप कीजिए, आप नोटिस करिए किस बिल्डिंग से आपकी जो गेंद है वो नीचे जाके ज्यादा जोर से लग रही है, तो आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पर, जब आप बिल्डिंग सेकंड पर गए यानी कि मंजिल आपकी जो दूसरी है उससे आपने गेंद को ड्रॉप किया तो वहां से उसकी स्पीड बढ़ गई, तो जितना आप ऊपर से उसको ड्रॉप करते जाओगे उसकी स्पीड बढ़ती आएगी नीचे हुए, तो उसका बी पार्ट का आंसर क्या देना आपने, उसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी, इसका आंसर क्या आएगा, नो बिकॉज अर्थ एग्जर्ट द फोर्स ऑन मैन, अर्थ क्या कर रही है उस मैन के ऊपर फोर्स लगा रही है, और जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा देते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसको अब आपने क्या किया, ये हमने एक आंसर दिया था किस क्वेश्चन का, दिया था क्वेश्चन नंबर 7 का, किसके ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, तो वहां पर मैं आपको अगर ये क्वेश्चन समझा देता या वहां पर लिख देता जो मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, वहां पर आपको समझ में नहीं आता। अब आपको थोड़ा सा एक बात क्लियर होगी कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा दें तो उसकी स्पीड सेम नहीं रहती, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो वहां पर आपने आंसर अपना चेंज करना, मैं इसी क्वेश्चन के बाद आपको उसका आंसर चेंज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन गई अपने टॉपिक की कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो आपने क्या करना अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेंज कर लेना है, वहां पर लिखना है
क्या क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, तो आपने आंसर देना वहां पर नो, और मैंने पहले नो ही लिखा था वहां पर, फिर वो मैंने सोचा कि आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर यस किया काट के। अब आपने क्या करना, उसको काट के नो कर देना वहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है बेटा, ये मत समझना कि वो गलत करवाया है, ये सिर्फ एक आपको समझा दे वे है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की, अब हम क्वेश्चन अपना आसानी से समझ सकते हैं वो भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा गया आपसे, अगर हम एक बार रीड करें क्वेश्चन को, हाउ वुड द प्रेशर चेंज, प्रेशर कैसे चेंज होगा। उसके बाद इसने भी फर्स्ट पार्ट में पूछा है, द एरिया इज डबल, एरिया इज डबल कीपिंग द थ्रस्ट कॉन्स्टेंट, थ्रस्ट तो आपने कॉन्स्टेंट रखना है। अब ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है फिक्स, जो कभी भी चेंज ना हो, आपने इसका भी नहीं किया है कॉन्स्टेंट रखना, उसको चेंज नहीं करना है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, करना आपने फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स जो मैंने यहां पर लिखा है क्या होता है, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट उसका चेंज नहीं करना है, यानी कि एफ है तो एफ ही रहेगा, एरिया क्या कर देना आपने उसका डबल कर देना है। अब मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा आपके लिए, मान लेते हैं प्रेशर उसका 10 न्यूटन है और एरिया उसका 2 है, एरिया कितना है 2, तो प्रेशर कितना आता है 5 पास्कल, ये मैंने आपको बता दिया पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट है। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि अब एरिया डबल कर दो पर थ्रस्ट चेंज नहीं करना, उस केस में क्या होगा, प्रेशर कितना आ जाएगा, फोर्स 10, एरिया डबल करना है, एरिया पहले कितना 2, अब कितना कर दिया आपने 4, तो जब उसको एरिया को डबल किया तो फोर्स कितना, प्रेशर कितना आया 2.5 पास्कल, तो चेंज देखिए कितना हुआ, पहले प्रेशर कितना था 5 पास्कल, अब प्रेशर कितना है 2.5 पास्कल, यानी कि हाफ हो गया। तो इसका मीनिंग जब किसी का एरिया डबल करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे, अगर हम उसका थ्रस्ट डबल कर दें और एरिया सेम रखें, वही बात आ गई, अब क्या करना है आपने थ्रस्ट को डबल करना है, ये इसका ए पार्ट है, और बी पार्ट में क्या करना है आपने इसका, मैं समझा देता हूं आपको, प्रेशर फोर्स कितना रखा हमने 10, एरिया कितना रखा 2, तो आपका प्रेशर कितना है 5 पास्कल। अब क्या करना आपने थ्रस्ट को डबल कर देना है, तो P इक्वल टू थ्रस्ट को कितना हो गया 20, एरिया सेम रखना है, एरिया कितना था 2, तो 2 ही रखना है, तो कितना आ गया बेटा 10 पास्कल। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में प्रेशर डबल हो गया, इस केस में प्रेशर क्या हो गया था हाफ, उसमें हमने थ्रस्ट को डबल किया, इसमें एरिया को डबल किया, तो ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कीजिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन विल ए डाइवर एक्सपीरियंस ए ग्रेटर प्रेशर, वो जो गोताखोर होते हैं उसको डाइवर बोल रहा है, ये पानी में जो जाते हैं नीचे, कहता है अगर उसके ऊपर वो 100 सेंटीमीटर पानी के नीचे जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहीं पर कर लेते हैं, देखिए ओशियन है, मान लेते हैं ये ओशियन है, वैसे मान के चलना पड़ेगा, मैं बता चुका आपको मैं बहुत कुछ मानना है, बोर्ड पे हम सब कुछ करते हैं, तो ये आपका वाटर लेवल है और ये डाइवर है, ये बॉक्स जो है ये डाइवर है जो पानी के अंदर तैर रहा है, और ये पानी से 100 सेंटीमीटर नीचे गया है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या होता है, वो इस फिर से ओशियन और वो वाटर और वो डाइवर, बट इस केस में क्या हुआ, डाइवर जो है पानी के नीचे कितना गया 200 सेंटीमीटर। अब मेरे को बता दीजिए किस केस में प्रेशर ज्यादा है, अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो इसका मीनिंग आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, इसका आंसर आपने खुद देना है, ठीक है बेटा, मैं छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को। उसके बाद ये आपका डी पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं ई पार्ट की बात करते हैं। ओके बेटा, और ये जो मैंने क्वेश्चन छोटा है इसका आप आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, क्या आंसर आया आपका, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। ई पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स, इट इज
पुश एंड पुल एग्जर्ट ऑन ए बॉडी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इज इट नेसेसरी फॉर टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर ए फोर्स एग्जर्ट फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम। क्या क्वेश्चन पूछा इसने, कहता है दो बॉडी के बीच में फोर्स लगने के लिए क्या उन दोनों का कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है? ये तो बिल्कुल गलत बात है इसकी। क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्टेक्ट की तो कोई जरूरत नहीं होती। अब आप देखिए अर्थ में और सन में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, अर्थ में और मून में कोई कॉन्टेक्ट नहीं, बट उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? नो, पहले आप फोर्स की डेफिनेशन दोगे। आंसर कैसे बनाना, आपने आंसर बनाना सीख लीजिए, पेपर में बड़ा काम आता है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। पहले पूछा इसने फोर्स, तो आप क्या करेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, नो सेकंड पॉइंट, आप इसको हेडलाइन बना कैसे, नो उसका कोमा डाल के लिखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी। उसके बाद आपको पूछा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कौन सा देंगे, जो मैंने अभी आपको बताया फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ए नॉन कॉन्टैक्ट एंड बोथ बॉडी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो आपने अपना आंसर बना देना ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था ही पार्ट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा इसने स्टेट थ्री इफेक्ट ऑफ ए फोर्स गिव सुटेबल एग्जांपल्स। अब एग्जांपल भी देने आपने, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो एक अगर हम चलती हुई बस को ब्रेक लगा दें तो रुक जाती है, ठीक है बेटा, या कोई बॉक्स रखा हुआ है आप क्या करो उसको धक्का मार दो उसकी स्टेट चेंज होती है, रेस्ट से मोशन में आ जाता है। तो इसके एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा लिखना जिसमें आपने फोर्स लगाया उसकी स्टेट चेंज की है। दूसरा चेंज इन शेप, शेप चेंज करने का एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन स्क्वीजिंग ऑफ लेमन, इसका एग्जांपल होगा। थर्ड पार्ट चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं, आप किसी की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो क्या करना, आपने फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, कभी भी किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती बिना डायरेक्शन फोर्स के। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बस में बैठे हो आप और ड्राइवर ने क्या किया, बस को उधर टर्न कर दिया ऐसे, तो आप क्या करते हो, अगर आपको याद नहीं है कि आप बस में बैठे हो, आप भूल गए हो, तो आप एकदम से इधर गिरोगे, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी क्या चाहती थी, सीधा जाना चाहती थी, ड्राइवर ने क्या किया एकदम से आपकी डायरेक्शन बदल दी, आपकी नहीं बदली बस की बदली, तो आपके नीचे से बस ऐसे निकल जाती है, आप इधर गिर जाते हो। ये भी नाइन्थ क्लास में टॉपिक आते हैं, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर भी। तो चेंज इन डायरेक्शन का एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो, बस को टर्न करवाना, साइकिल को टर्न करवाना, तो उसके लिए क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये अच्छे एग्जाम्पल है, इसके और भी हैं, दे सकते हो आपकी मर्जी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां से पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है, 100% एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और बड़े आसान से क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं सारे डिस्कस। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है, पूरा पूरा क्वेश्चन प्रेशर के ऊपर है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था एप्लीकेशन सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या स्टेटमेंट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने जो स्टेटमेंट हमका रीजन देना है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो। अब जो स्नो शूज होते हैं पहाड़ों पे, जो स्नो पथरीला पहाड़ या बर्फीले पहाड़ होते हैं उन पर चलने के लिए, देखो दो तरह का आंसर हो सकता है यहाँ पर, एक तो आप शूज लिख रहे स्पाइक्स वाले जो होते हैं, जिसमें स्पाइक्स लगे होते हैं वो आसानी से चढ़ जाते हैं, एक होता है जिसकी नीचे से विड्थ ज्यादा होती है, जो ऐसा स्नो होता है जो सॉफ्ट होता है जिसके अंदर पैर अंदर जा सकता है। तो आपने क्या करना है, दोनों आपकी मर्जी, कोई सा भी आंसर बना सकते हो आप। तो स्पाइक्स वाला अगर आप लिखते हो तो स्पाइक्स के केस में क्या होता है, स्पाइक्स का एरिया होता है नीचे से कम होता है, तो क्या करते हैं प्रेशर ज्यादा बनाते हैं, अपनी पकड़ बना के उस पर, जैसे आप किसी माउंटेन पर चढ़ रहे हो उस पर बर्फ लगी हुई है, बर्फ है तो उसके अंदर पैर अच्छे से गड़ जाएगा और जम जाएगा, सिंक हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बर्फ पे चल रहे हो जो आपका पैर ज्यादा अंदर जा सकता है, आपको चलने में परेशानी हो रही है, उस केस में क्या करते हैं, ऐसे शूज डालते हैं
जिनका नीचे से एरिया ज्यादा होता है, उनकी आप देखना विड्थ नीचे से ज्यादा होती है। तो आपने क्या करना, अपना आंसर कोई सा बना लेना दोनों में से, जो आपको ठीक लगे आप वो आंसर बना सकते हो। वैसे इसने इंडिकेट नहीं किया कि कौन से शूज पूछ रहा है। शूज दो तरह के आते हैं, एक तो होते हैं स्पाइक्स वाले जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो माउंटेनर्स जो होते हैं डाल के चलते हैं, एक होता है जो स्नो पे आप कहीं पर पिकनिक वगैरह पे गए और वहां पर मिलते हैं, वो उनका एरिया क्या होता है नीचे ज्यादा, तो उस केस में क्या होता है प्रेशर कम करते हैं और स्पाइक्स वाले में प्रेशर ज्यादा करते हैं। अपने आंसर कैसे बनाना, अपना पहले लिखना यहाँ पर पी इक्वल टू एफ ए, एफ अपॉन ए, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है बेटा। उसका लिखना आपने ड्यू टू स्पाइक्स, ड्यू टू स्पाइक्स एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट हो रहा है एरिया डिक्रीज, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिक्रीज, हैंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द शूज ऑन आइस इज इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप दूसरे शूज डालते उसमें क्या करोगे आप, एरिया ऑफ द शूज इज इंक्रीज एंड प्रेशर ऑन स्नो इज डिक्रीज, दोनों में ही आपने आंसर डाल देना है, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ए पार्ट हो गए, बी पार्ट, बी पार्ट का जो क्वेश्चन है मैं पहले एक बार पेपर चेक किया, मैं उसके अंदर देख चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को। पोर्टर, पोर्टर होते हैं बेटा जो ये मजदूरी काम करते हैं, लेबर होते हैं अपने, जो प्लेस ए लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे कैरी हैवी लोड्स, जब वो अपने सर पे ऐसे कोई सामान रखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, पहले एक कपड़े की राउंड शेप की, इसको हम हरियाणवी में इंडी बोलते हैं बेटा, वो अपने सर पे रखते हैं से, उसके बाद उसके ऊपर लोड रखा जाता है। तो क्या इसका रीजन क्या है, वो जब वो कपड़ा राउंड शेप में बना के रखते हैं अपने हेड पे, उससे क्या करते हैं वो एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका रीजन आप समझ गए बेटा। आप और भी एग्जांपल हैं, आप कोई पत्थर उतारते हो, पत्थर उतारने वाले लेबर को देखना कभी, वो पत्थर उतारते हुए हाथ में पहले कपड़ा रखते हैं और फिर पत्थर उठाते हैं, क्योंकि पत्थर हैवी होता है और एरिया उसका कम होता है, तो कपड़ा लगाने से क्या होता है उसका एरिया बढ़ जाता है, तो उसके हाथ पे वो जो उठा रहा है उसको पेन नहीं होता। ऐसे ही ग्लास कांच उतारते हैं उस पर कपड़ा लगाते हैं, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में आ जाते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, ये आप आंसर में क्या लिखो, पी इक्वल टू एफ ए, तो कपड़ा रखने से जो पोर्टर ने वो राउंड शेप का क्लॉथ बनाया उससे क्या हुआ, एरिया इज इंक्रीज एंड प्रेशर ऑफ द लोड ऑन हिज हेड इज डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सारे आपने आंसर ऐसे ही देने बेटा, सिंपल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। उसका सी पार्ट, ए शार्प नाइफ कट वेजिटेबल एंड फ्रूट मोर इफेक्टिवली, ये मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूं कि शार्प नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया क्या होता है आगे से कम, और ब्लंट नाइफ का एरिया क्या होता है आगे से ज्यादा, तो शार्प का एरिया कम है प्रेशर ज्यादा लगाता है, तो इजिली वो वेजिटेबल और फ्रूट को कट कर देता है। डी पार्ट में क्या पूछा है इसने, स्कूल बैग आर प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रैप टू कैरी दैट, ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ, स्कूल बैग का मैंने आपको बड़े एग्जाम्पल दिए हैं कि स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है उनकी विड्थ ज्यादा रखी जाती है, क्यों, क्योंकि विड्थ ज्यादा रखने से क्या होता है बेटा एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है आपके शोल्डर पर, आपको पेन नहीं होता। तो ये आपके बड़े डेली लाइफ के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और ये तो एक बार समझ ले बच्चा, अगर अच्छे समझ लेना जिंदगी भर नहीं भूलता बेटा, ठीक है ना। इट इज मच इजियर टू ब्रश एन इन्फ्लेटेड बैलून विद ए नीडल देन विद द फिंगर, एक गुब्बारे को जो बैलून होता है उसको फोड़ना है, ब्रश करना है, तो एक पिन से आसानी से हो जाता है और आपकी उंगली से नहीं होगा वो, अगर आप उसमें उंगली मारोगे तो मुश्किल है, हो सकता है फूट भी जाए, हो सकता है ना फूटे वो, तो वो उसको क्या करते हैं पिन लगाते ही वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है ना बेटा। पिन अगर आपने उसके अंदर लगा दी ऐसी थोड़ी सी भी, क्या हो जाता है वो फट जाता है, क्योंकि पिन का एरिया आगे से कम है, तो पिन का एरिया कम होने से क्या हुआ प्रेशर ज्यादा बना, प्रेशर ज्यादा बनने से उसके अंदर आसानी से चला गया, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये अब थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आ गए हैं। माउंटेनियर्स मे सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई अल्टीट्यूड, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो पहाड़ों पे जाते हैं उनकी नोज से ब्लीडिंग होती है, तो क्यों होती है अब आप सोचिए, और इसका आंसर आप मेरी जो मैंने पहले वीडियो कराई है आपको बता रखा है, उसके अंदर ढूंढिए, ये आपको मैं काम देता हूँ, और आपने इसको मेरे को भेजना भी है आंसर, इसके मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए यूट्यूब पर। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट पार्ट है इसका, एयरप्लेन्स हैव प्रेसराइज्ड कैबिन फॉर पैसेंजर सेफ्टी
वाइल फ्लाइंग हाई इन द एटमोस्फियर। तो जब अपने एयरप्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके जो कैबिन होते हैं बेटा, जिसके अंदर हम बैठते हैं और वो हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, अंदर से प्रेशर डाला जाता है उसके अंदर, कैबिन के अंदर। ऐसा क्यों किया जाता है, समझिए ध्यान से इसको। जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हाई अल्टीट्यूड पे जाने पर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जब एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो हमें जो ब्रीथिंग हमारी वो प्रॉब्लम में आ जाती है, हम ब्रीथिंग नहीं कर पाते क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर से कम लग रहा है, अंदर नहीं जाएगा आपके सांस। तो क्या होता है, वो बाहर से उसके अंदर कैबिन के अंदर प्रेशर बना देते हैं, जिससे आपको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप नेचुरल वैसा ही फील करते हो। तो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का रीजन है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। सो एरोप्लेन कैबिन्स आर प्रेशराइज्ड ड्यू टू इंक्रीज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कैबिन। ये आपका इसका आंसर रहेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट, बड़ा अच्छा पार्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ, एक ऐसे टेबल दी हुई है और इसके ऊपर दो रोड रखी हुई है, एक रोड ऐसे है और एक रोड ऐसे है, और इसका नाम रखा हुआ है ए, इसका नाम रखा हुआ बी। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, किस केस में प्रेशर ज्यादा है, किस केस में प्रेशर, ए रोड ज्यादा प्रेशर लगा रही है, बी रोड ज्यादा प्रेशर लगा रही है। तो आप मेरे को बता सकते हो इसका आंसर भी, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं फोर्स के, फोर्स अपॉन एरिया के, इतने क्वेश्चन कर दिए तो इसका आंसर भी याद हो गया। इसका एरिया क्या कम, इसका एरिया क्या ज्यादा, तो जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है कम, और जब एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होता है ज्यादा। तो पी ए, पी ए का मीनिंग है प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एग्जर्टेड बाय बी बिकॉज ए हैव लेस एरिया देन बी, सो इट एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन टेबल सैंड पेपर, जो भी लिखा हो, जो भी स्टेटमेंट आई उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं आपको जब आपको चैप्टर में करवा रहा था, मैंने आपको ये करवाया बेटा, समझाया भी है इसको, बनाते हैं डायग्राम को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 5 ई पार्ट का, और यहां पर क्या हुआ, एक हमें टैंक दिया हुआ है, जैसे टैंक है उसमें तीन पार्ट दिया हमें, सी बी और ए, और ये वॉटर से कंप्लीटली फिल है, ऐसे ये वॉटर से क्या है कंप्लीटली फिल किया हुआ है ऐसे, ठीक है बेटा। और आपसे पूछा गया अगर इनको हम होल को, जैसे ए बी सी है, ये तीनों को खोल दें एकदम से, तो किस होल से वॉटर ज्यादा दूर जाके गिरेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, याद है बच्चों, तो करते हैं। अगर आप देखें नोट करें, यहां से किस होल से प्रेशर ज्यादा दूर जा गिरेगा पानी का, ए से, बी से थोड़ा उससे कम और सी से और कम ऐसे। तो ये सी का है, ये बी का और ये ए का है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर किस पे ज्यादा, ए पे, बी पे उससे कम है, सी पे उससे भी कम है, तो डेप्थ के साथ क्या होता है बेटा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हो पी ए इज ग्रेटर है पी बी इज ग्रेटर पी सी, ये इसका आंसर रहेगा। आप साथ में रिजल्ट दे देना जो मैंने आपको बोला है, वो आप वर्डिंग बना के अपने इंग्लिश नोटबुक में लिख दीजिए अगर आपके पास नोटबुक है। वैसे हम क्या करते हैं 8th क्लास को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं बेटा, और ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स में जब पढ़ो आप उनको, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। आप इनको समझिए अच्छे से और अपने क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे आपको, कि ये तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इससे भी आसान है, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा आपसे, ये 5 को हम इधर ले देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा आपसे, एक टैंक दिया हुआ है ऐसे, और इस टैंक में दोनों होल जो सेम हाइट पे गिए ए और बी, पानी से भरा हुआ है, अगर हम ए और बी को ओपन कर दें तो किस होल से वॉटर ज्यादा दूर जाएगा। आप समझ गए होंगे, दोनों सेम हाइट पर है तो दोनों से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे वॉटर जाएगा, दोनों साइड का प्रेशर क्या रहेगा सेम, समझ गए बेटा, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है सेम है, ये भी एच हाइट पर है और ये भी एच हाइट पर है बेटा। हाइट ग्राउंड से नहीं देखनी, हाइट ऊपर से देखनी है, फ्री स्पेस से, कि पानी फ्री कहां पर है, ठीक है बेटा, जहां से हम पानी को टच कर सकते हैं उस हाइट, उस लेवल से आपने उसकी हाइट देखनी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रेशर कहां पर ज्यादा है, दोनों पे सेम है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। ओके बेटा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चे इसका फायदा उठा पाएं। थैंक यू।